जो थोड़ा सा दिमाग लगा देते हैं तो ये 20,000 25 से 30,000 के बीच में भी आ सकता है, 25 मिल सकता है, 26 मिल सकता है, 27 मिल सकता है। कब ये दिमाग लगाना है? जब आपका रिक्रूटमेंट होने लगता है उसी टाइम पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। प्रैक्टिकल ट्रिक बता रहा हूं, एक्सपीरियंस जो 6 साल गेन किया है वो बता रहा हूं, सो ध्यान से सुनना, कोई गूगल से पढ़ के नहीं बता रहा हूं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते, समझते हैं किस तरह से हम अप्रोच कर सकते हैं रिक्रूटर को, किस तरीके से उसको बता सकते हैं कि हम आपके कंपनी में वैल्यूएट करेंगे, हमको थोड़ी सी सैलरी ज्यादा दो। मींस आपको जो मिलने वाला था 20 वो मिल जाएगा, जब 25 से 30 तो आपको 5,000-6,000 रुपए 10,000 रुपए का यूनिक सिविल प्लेटफॉर्म की वजह से प्रॉफिट हो सकता है। चलिए प्रैक्टिकल ट्रिक आपके साथ शेयर करता हूं। पहला केस लेते हैं, पहला केस होता है कि आप फ्रेशर हो, ठीक है, सबसे टिपिकल केस यही होता है, आप फ्रेशर हो। फ्रेशर को मैक्सिमम बोला जाता है कि यू आर फ्रेशर। जैसे रिक्रूटर को क्या होता है, रिक्रूटर को हमेशा याद रखो, पहले क्लियर करते हैं, रिक्रूटर को टारगेट होता है, जो आपको कॉल करते हैं ना कि क्या बोलते हैं, आपका इंटरव्यू इस टाइम पर शेड्यूल किया जाएगा, आपको इतना इतना पैकेज मिला है, तरह तरह की चीजें बताती है ना, उनका टारगेट होता है। कम से कम उनको 2 से 3 इंप्लॉई हायर ही कराना है मंथली, उसके साथ अच्छे इंप्लॉई हायर कराना है उनको, अदरवाइज उनको डांट पड़ती है। प्लस उनको ये भी टारगेट दिया जाता है कि सैलरी का बजट ये है, इसके अंदर में जितने कम पैसे में आप सैलरी करा दोगे उतना ही ज्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, उनको इंसेंटिव वगैरह भी मिलते हैं। तो कोशिश करते हैं कि कम से कम पैकेज में आप आ सको उनके कंपनी में। तो कैसे करना है, सपोज आप फ्रेशर हो और आपको उन्होंने बोला कि यू आर फ्रेशर, सो आई एम गोइंग टू गिव यू 10,000, जैसा मार्केट इस समय चल रहा है, आई एम गोइंग टू गिव यू 10,000, ठीक है। तो आप पहले तो क्या करो, इंटरव्यू क्रैक करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इंटरव्यू क्रैक करने से आपको पता है फायदा क्या होगा, आप ये मत बोलो कि उन्होंने बोला 10,000 है और आपको ऐसे ऐसे इंटरव्यू देना है, आप तैयार हो, रेडी हो वगैरह वगैरह, ठीक है। आप हाँ बोलो, हाँ ठीक है, आपको ना नहीं बोलना है। फिर जब हाँ करोगे तो क्या होगा, वो इंटरव्यू पैनल को बैठाएंगे, प्रोसेस होगा, कम से कम 1 हफ्ता उनका जाएगा, HR का टाइम जाएगा, इंटरव्यू पैनल का टाइम जाएगा, प्रॉपर इंटरव्यू को क्रैक करो। अब क्रैक कर लिया, कुछ बच्चे थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाएंगे कि सर इंटरव्यू करने को नहीं मिल रहा है, भाई मैं जॉब्स गाइड चैनल पे आपके रेगुलर हेल्प कर रहा हूँ, आइए वहां पर डेली ओपनिंग्स बता रहा हूँ, अप्लाई करिए। अब इंटरव्यू सपोज आपने क्रैक कर लिया, उसके बाद उन्होंने आपको ऑफर किया कि नाउ यू आर सेलेक्टेड फॉर दिस कंपनी, मतलब जो भी कंपनी एक्सवाइजेड है उस कंपनी के लिए आप सेलेक्टेड हो और आपको 10,000 ऑफर किया जाता है, ठीक है। तो आपको वहां पर जस्ट इतना सा बोलना है, इंटरव्यू क्रैक करने के बाद इतना सा बोलना है कि मैडम मेरे पास अच्छा नॉलेज है, मींस डेफिनेटली आई एम फ्रेशर बट आई हैव अ गुड नॉलेज ऑफ स्टेट ईटैप, जो भी आपके पास स्किल्स है आप उनको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, और मैं आपकी कंपनी के साथ काम करना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपकी कंपनी के साथ काम करूं, बट थोड़ा सा यहां पर अगर थोड़ा सा अगर इस पे भी देखा जाए कि हमारी सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाए तो डेफिनेटली मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ काम करने में। ये मत सोचना कि आप इतना बोल दोगे तो आपको निकाल देंगे, अगर निकाल देंगे तो बहुत घटिया कंपनी है, उस कंपनी में जाने का भी कोई फायदा नहीं। 99% चांस है कि इतना बोलने पर कुछ नहीं, तो जस्ट क्या होता है, वो भी तो कंपनी की एम्प्लॉई है, आप भी कंपनी की एम्प्लॉई हो, ठीक है। अगर उनके बजट में होगा और आपने सही से उनको फोन पर इन्फ्लुएंस कर लिया तो थोड़ा बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस है कि अगर 10,000 की सैलरी है तो 12 से 13,000 पे वो रिक्रूटर आपको पहुंचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट होता है कि 10,000 से 15,000 के बीच में एम्प्लॉई हायर करना है, हो सकता है 14-15 तक भी आपको पहुंचा दें, बस नॉर्मल तरीके से बोलना है। चलिए ये तो रहा जो फ्रेशर बच्चे हैं, मेन गेम होता है एक्सपीरियंस बंदों के साथ, जिनके पास एक्सपीरियंस है ना वो तो ऐसा खेलते हैं कि रिक्रूटर की हालत खराब हो जाती है। सपोज मैं एक एक्सपीरियंस हूँ और मेरे पास किसी कंपनी कॉल आया कि आर यू इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब, मैंने किया, मैंने इंटरव्यू को क्रैक किया, पैनल में डेफिनेटली ऑफकोर्स मुझे पैकेज ज्यादा देंगे, तो उसकी वजह से इंटरव्यू राउंड्स ज्यादा होंगे, मैं सब क्लियर करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा पैकेज के बारे में, और जैसे ही जब सिलेक्शन हो जाता है तो उस टाइम पे मैं उनसे ऑफर लेटर भी ले लूंगा, उसके बाद कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। इनको मैंने वो सपोज इन्होंने बोला कि ऑफर लेटर दे दिया, अब इसके बाद इन्होंने बोला कि ठीक है अभी आपको इतने इतने तारीख से ज्वाइन करना, तरह तरह की चीजें हैं, अब मैं उसी टाइम पे दूसरी कंपनीज को भी अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर दूंगा। सपोज XYZ दूसरी कंपनी आई और उस कंपनी का भी मुझे इंटरव्यू दिया मैंने और वहां पर भी मेरा सिलेक्शन हो गया, और ऐसे तीसरी कंपनी में आई, 3 कंपनी सपोज ले लेते हैं, वैसे करने वाले तो एक टाइम पे कई ढेर सारी कंपनियों में हायर हो जाते हैं, फिर गेम खेलते हैं। अब गेम कैसे खेलना है, गेम ऐसे खेलना है कि आपको सिर्फ उनको बताना है कि मैडम लाइक
मैं आपकी कंपनी में काम करता हूँ और उस काम करना चाहता हूँ, और आपका जो सैलरी का रेंज है ये बहुत ही लो है, ठीक है? अगर आप थोड़ा सा इसको बूस्ट करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा आपकी कंपनी के साथ काम करते हुए, ठीक है? इन्होंने सपोज आपको 5 लाख का पैकेज देने वाले थे तो इन्होंने 6 कर दिया, ठीक है, ओके, आई एम ओके विद 6, क्योंकि उनका रेंज होता है ना कि इस काम को करने के लिए इस सैलरी से इस सैलरी के बीच के लोग चाहिए, उन्होंने 6 लाख का कर दिया। अब जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी को आप बोलो कि अब ये बहुत दिमाग से बोलना पड़ेगा कि सर डेफिनेटली ये आपकी कंपनी बहुत अच्छी है और आपका जो काम है वो तो बहुत ही बेहतरीन लेवल का है, हाँ ये तभी कर पाओगे जब नॉलेज अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे एक्सवाइजेड कंपनी से काफी अच्छा ऑफर आ रहा है। ये नहीं बोलना कि कितने का आ रहा है, काफी अच्छा ऑफर आ रहा है, और अगर आप थोड़ा सा अपने ऑफर को इंक्रीज कर देंगे तो फिर मुझे काम करते हुए आपके साथ अच्छा लगेगा। सेम डायलॉग इनके साथ भी चिपकाना, प्रैक्टिकल ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? जैसे आप करोगे, अगर आपने इंटरव्यू अच्छा किया हो तो सोचेंगे यार इतना देर इतना पैनल बैठाया, 1 महीने का प्रोसेस किया, अब इसको छोड़ना बहुत, मतलब आपको क्या लगता है कि एक इम्प्लॉय की क्या वैल्यू होती है भाई? एक इम्प्लॉय की वजह से ही पूरी कंपनी चलती है, याद रखना, इम्प्लॉय अच्छे नहीं हो तो कंपनी अच्छी नहीं चलेगी। अगर आप अच्छे इम्प्लॉय हो तो वो आपकी हर बात को सुनेंगे और बोलेंगे कि वो थोड़ा फोर्स करेंगे कि ये वाली कंपनी कितना दे रही है, ठीक है? आपको नहीं बोलना है, पहले कोशिश करना है कि डिस्क्लोज ना करना पड़े, बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार ये पूछ ही लेंगे तो बता दो कि इतना ले रहे हैं, तो वो या तो सैलरी आपके साथ मैच करेंगे, ठीक है? अब ऐसे ही अगर आप तीसरी कंपनी में सिलेक्शन ले लेते हो तो आप बोल सकते हो कि हमें ये कंपनियों से इतने ऑफर हो रहे हैं, ये कब करना है? लोग क्या गलती करते हैं, लोग पहले ही बोल देते हैं, पहले बोल दोगे तो तुम्हारे इंटरव्यू ही नहीं होगा, ठीक है? पहले सिलेक्शन ले लो, ठीक है? इन दोनों कंपनी से मुझे ये ऑफर आ रहे हैं, इससे अच्छा ऑफर, पैसे नहीं बताना है, इससे भी अच्छा ऑफर आ रहा है, इससे भी अच्छा ऑफर आ रहा है, एटलीस्ट मैं चाहूंगा कि उनसे ज्यादा का ऑफर अगर आप करते हो तो मैं आपकी कंपनी में आता हूँ। सपोज इन्होंने ज्यादा कर दिया, अब उसके बाद इस कंपनी को आपने बताया कि उस कंपनी में भी मेरा सिलेक्शन हो गया और ये मैं पैकेज पा रहा हूँ, दे पाएंगे तो देंगे, नहीं दे पाएंगे तो इस कंपनी में आप निकल गए, ठीक है? तो इसमें आपको सिर्फ दिमाग से चलना है, और पता है क्या, एक चीज बताऊं, आपको लगता है कंपनी आपकी है, नहीं, कंपनी वाले ना अंदर से सोचते हैं ठीक है इंप्लॉई है, आएंगे अपना काम करेंगे, वो आपको यूज करते हैं, थोड़ा सा आप भी उनको कर लो, वो आपको यूज कर रहे हैं ना, आपका पूरा टाइम किल कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग से खेलो जिसे थोड़ा अच्छा मिल जाए, ठीक है? सैलरी लेना आपका अधिकार है, थोड़ा सा दिमाग से अगर आप जाते हैं तो इस तरीके से एक एक्सपीरियंस बंदे को बताया, एक्सपीरियंस मतलब 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप ये चीज कर सकते हो। और अगर आप डर रहे हो कि यार एक तो ऑफर नहीं मिला और किसी तरीके से ऑफर मिला तो सर बता रहे हैं कि इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो, इसमें ऐसा करो, भाई सुनो, ऑफर की वजह से कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करती, बहुत ही गिरी हुई कंपनी होगी तो ऑफर की वजह से आपको बाहर करेगी, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता दोस्त। क्यों? क्योंकि सपोज आपको हायर किया है और आप एक जनरल कॉलेज से हो, उसी काम को करने के लिए आपको 50,000 मंथली सैलरी दे रही है, डेफिनेटली IIT वाला आएगा तो उसको 70 देगी उसी काम को करने के लिए, सेम काम है, मतलब उसका रेंज 70 तक है ना, तो आप 50 क्यों ले रहे हो, 60 का ट्राई करो, 70 का ट्राई करो। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल ट्रिक्स है, अगर आप इनको यूज करते हो तो कर लो, और मैं तो मेरी जो थोड़ी सी अपनी सैलरी मतलब शेयर कर दूंगा तो आपको और अच्छे से कोरिलेट हो पाएगा। मैं जिस करंट कंपनी में था उस कंपनी को मैंने बोला कि मेरा एक दूसरी कंपनी में सिलेक्शन हो गया, डेफिनेटली हो गया, और मैंने दिमाग लगाया था, मैंने पैकेज डिस्क्लोज नहीं किया, तो मैंने कहा कि आपकी कंपनी से ज्यादा अच्छा मुझे ऑफर वहां पर मिल रहा है, तो अगर आप क्या बोलते हैं अपने ऑफर को इंक्रीज करते हैं, अपना जो भी सैलरी मुझे दे रहे हैं, अगर मुझे इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे मेरी सैलरी तभी मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं इस कंपनी में चला जाऊंगा। बिलीव करिए उस कंपनी में मेरा पैकेज कम ही मिलने वाला था, बट फिर भी मैंने बड़े कॉन्फिडेंस से बोला तो इस कंपनी को अच्छा लगा, इस कंपनी में काफी अच्छा मीन्स लगभग एक आसान भाषा बता दूं 10 से 12 हजार रुपए का बूस्टिंग दिया मुझे, बोला भाई मत जाओ, क्योंकि मुझे पता था कि उनको हमारे काम की वैल्यू पता है, हम कितना उनको कमा के दे रहे हैं ये भी उनको पता था, इसलिए उन्होंने तुरंत ही मेरी बात को सुनी, और जो एक इंसान का पैकेज होता है वो उतना तो हमें उन्होंने इंक्रीमेंट करके दे दिया। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे अगर करते हो और थोड़ा सा ये लगा के काम करोगे तो आप अच्छा पैसा प्राइवेट कंपनीज में कमा सकते हो। अदरवाइज अगर कोल्हू के बैल बन गए, ठीक है 12,000 दे रहा, अगले साल इंसेंटिव मिलके 13 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 14 हो जाएगा, फिर भाई वही होगा कि हम बूढ़े हो जाएंगे, बाल सफेद हो जाएंगे, हमारी सैलरी रहेगी 50 से 60 हजार रुपये, उसमें कुछ नहीं कर पाओगे, ना सेविंग कर पाओगे, ना ही कोई डेंस पूरा कर पाओगे, थोड़ा ये लगाना पड़ेगा। होप आपको ये प्रैक्टिकल ट्रिक अच्छी लगी हो, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो नीचे कमेंट करना, कुछ लोगों को अगर ये बुरा लगा होगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो भाई ऐसा ही करना चाहिए, क्योंकि कंपनीज आपकी नहीं होती है, कंपनी सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे की सोचती है, आपको भी अपना फायदा, नो डाउट, जो वहां पे काम करो एक्सीलेंट करो,
जो वहां पे इंटरव्यू दो एक्सीलेंट दो, लेकिन जो पैसा लो भी एक्सीलेंट लो, ये मेरा बिलीव है। मैं हमेशा ज्यादा पैसा लेता हूँ उन सब चीजों के लिए। मैं एजुकेशन को आपने देखा होगा, मैंने बहुत कम ऑल इन वन कोर्स, लोग बोलते हैं सर इतने पैसे कम पैसे में क्यों करते हैं आप, बीम इतने कम पैसे में क्यों, भाई ये व्यापार नहीं, ये तो मेरे जो सर्विस का जो मुझे पैसा लगता है, मेरा जो टाइम लगता है उसका मुझे मिल जाए, दैट इज सफिशियंट। बट जो प्रोजेक्ट्स है उसके कॉस्ट सबको पता है, मैं हमेशा थोड़ा ज्यादा लेता हूँ, परफेक्ट करके देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होप यू लाइक दिस। जय हिंद, जय भारत।